हमारे यहां रेल के डिब्बे में जाना है सामान्य मानवी के लिए तो सर कुछ मुश्किल लगता नहीं है, बस में चढ़ना है सामान्य मानवी को लगता नहीं है। हमने आकर के एक सुलभ योजना का बड़ा अभियान चलाया, देश भर में सरकारी हजारों की ऐसी जगह पर ढूंढ के निकाली है जहां सामान्य ऐसे नागरिकों को जाना है तो वहां दिव्यांगजनों को भी जाना है तो उनके लिए रेलवे प्लेटफॉर्म अलग प्रकार से हो, ट्रेन के अंदर चढ़ने का उनके लिए अलग व्यवस्था विकसित की जाए, सरकारी दफ्तर हो तो ट्राइसिकल लेके आता है तो सीधी सीधी साइकिल अंदर तक चली जाए, टॉयलेट हो। आप कल्पना कर सकते हैं अगर दिव्यांग जन को उसके अनुकूल टॉयलेट नहीं मिलेगा तो उसका हाल क्या होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। और जब तक हम इन चीजों को देखते नहीं, समझते नहीं, सोचते नहीं है तो हमें अंदाज नहीं आता है कि चलो यार चल जाएगा वो तो एडजस्ट कर लेगा। जी नहीं भाई, हम लोगों को जागरूक होकर के अरे अपना मकान बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे, फ्लैट बनाएंगे तो भी ये सोच के बनाएंगे कि कोई भी दिव्यांगजन मेहमान बनकर के आएगा तो भी उसको लिफ्ट में जाना है तो सरलता से जा पाएगा, टॉयलेट जाना है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी। समाज का एक कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए और हम लोगों ने निरंतर ये प्रयास किया है और उसका परिणाम आज हजारों ऐसे स्थान पर ये सुलभ व्यवस्थाएं निर्माण होने लगी हैं, उसका काम होने लगा है, मॉडल पक्के हो गए। अब जितनी नई इमारतें बनती हैं उन इमारतों में दिव्यांग जनों के लिए व्यवस्था ये भारत सरकार में कंपलसरी कर दिया गया है।